नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है आपका हमारे इस जीएस के ऑल इन वन सीरीज प्रोग्राम में, जिसमें हम लोग विभिन्न आयोगों द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए तमाम प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों का अलग अलग लगभग 8 से 10 आयोगों के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उनमें से कॉमन प्रश्नों को हटा करके जो भी प्रश्न हमारे सामने बचते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हल करने की कोशिश करते हैं आपका डेली बेसिस पर। और वैसे आप ये मान के चलिए कि अगर कोई भी आयोग ने अगर कोई प्रश्न पूछा है तो निश्चित तौर पे उस प्रश्न की महत्ता बढ़ जाती है। अगर मान वो चाहे किसी भी आयोग का हो, आप उस आयोग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, परंतु अगर उसे किसी भी आयोग ने पूछा है तो निश्चित तौर पर वह पोर्शन, वह सेगमेंट आपके लिए अतिरिक्त महत्व का हो जाता है। इसी क्रम में आज का जो हमारा सेशन है, जैसा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उसमें देखिए कि आज का जो हमारा सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें हम लोग देखते हैं जो भी हमारे आयोग हैं 8 से 10 आयोग, उन सभी प्रश्नों में हम लोग उनको डील करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हुए चलते हैं। आप लोग इसमें देखिए, जैसे जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, तो देखिए एक यहाँ पे ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े लीडर, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत बड़े लीडर हैं, जो कि वास्तव में कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन सके, ठीक है। और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चूंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन की अगुआ संस्था थी और ये लीडर भी बहुत बड़े थे, तो अगर वो अध्यक्ष नहीं बन पाए तो ये प्रश्न जाहिर सी बात है कि कई कई बार कई कई आयोगों में पूछा गया है। वो चाहे आपका लोक सेवा आयोग हो या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या फिर पुलिस के एग्जाम हो, SSC के एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अब देखिए इस प्रश्न की महत्ता अपने आप में बढ़ जाती है। इसी वजह से, यही कारण है कि हम लोग विभिन्न आयोगों के सभी प्रश्नों को हल करने की चेष्टा कर रहे हैं। फिलहाल इस प्रश्न पे अगर हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना जा सका, तो देखिए पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगर वो आपको आप देखें तो लाला लाजपत राय जो है 1920 का एक विशेष अधिवेशन हुआ था और ये कहां पे हुआ था, कलकत्ता में। देखिए 1920 में दो अधिवेशन हुए थे, 1920 में दो अधिवेशन हुए थे, जो आपका एक अधिवेशन हुआ था वो सितंबर में हुआ था और एक अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, दिसंबर में, ठीक है। तो जो सितंबर वाला अधिवेशन था उसको विशेष अधिवेशन बोलते हैं, वो कलकत्ता में हुआ था, वहां पर लाला लाजपत राय वहां पे अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। एनी बेसेंट का आपको पता है कि ये जो है 1917 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बन चुकी थी, और बल्कि लास्ट क्लास जो हमारी इसमें हुई थी जिसमें हम लोग प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का गौरव जिन्हें हासिल है वह भी एनी बेसेंट ही है। तो एनी बेसेंट चूंकि 1916 में इन्होंने होम रूल लीग का आंदोलन छेड़ा और होम रूल लीग की स्थापना की, इस वजह से ये राष्ट्रीय स्तर पर काफी फेमस हो चुकी थी, और यही कारण है कि 1917 में इन्हें जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और देखिए इस वजह से अब अगर आप इस प्रश्न का उत्तर देखें तो इसमें दो ऑप्शन तो आपके पहले ही हट गए, लाला लाजपत राय नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये 1920 में कलकत्ता अधिवेशन बने थे, एनी बेसेंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि 1917 में बने थे। मोतीलाल, आपको पता है कि मोतीलाल नेहरू जो है वो कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे और इनके सुपुत्र जो जवाहरलाल नेहरू थे ये भी बड़े लीडर थे, दोनों लोग एक से ज्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जिसमें मोतीलाल नेहरू ये जो है दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और जवाहरलाल नेहरू आपके 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो देखिए मोतीलाल नेहरू जो है वो 1909-1918 में बन चुके थे, तो यानी कि यहां पर आप देखिए कि तो तीनों ऑप्शन आपके गलत होते हैं, ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। तो एक जो अंतिम ऑप्शन बच रहा है वो है बाल गंगाधर तिलक का, तो यहां पे जो राइट आंसर आपका होगा वो बाल गंगाधर तिलक हो, तिलक का ऑप्शन होगा। और देखिए इसी प्रश्न को कई बार घुमा फिरा के आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो लाल बाल पाल का त्रिगुट था, लाल बाल पाल त्रिगुट आपको पता ही है कि जो उग्रवादी जितने नेता थे, उग्रवादी नेताओं में लाल बाल पाल का जो त्रिगुट था उसमें भी केवल एकमात्र यही जो हमारे नेता हैं वही केवल कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, यानी लाला लाजपत राय भी बन चुके थे और जो आपके विपिन चंद्र पॉल हैं वो भी बन चुके थे, मगर बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनने का गौरव नहीं हासिल हुआ। वो उसका कारण भी ये था कि दरअसल वो काफी समय तक वो कांग्रेस से अलग भी हो गए थे जब सूरत में विभाजन हुआ था, और 1907 से लेकर 1916 तक वो अलग हो गए थे कांग्रेस से,
और जब 16 के बाद आए तो फिर वो काफी वयोवृद्ध नेता थे और 1920 में लगभग उनकी मृत्यु भी हो गई, तो बहुत ज्यादा उन्हें समय मिला भी नहीं। तो इसमें देखिए, इस प्रश्न के उत्तर में आपका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। देखिए अभी अभी इस प्रश्न को हम लोग ने डिस्कस किया है कि पहली बार महिला को अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुना गया। तो देखिए ये आपका ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 और लखनऊ अधिवेशन 1916। तो देखिए अब लखनऊ अधिवेशन, और इसमें जैसा कि मैंने बताया 1917 में ये कलकत्ता अधिवेशन, तो आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि 1917 में ये हुआ था अधिवेशन में ये कांग्रेस की महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, परंतु कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन, ये भी आपको याद रखना है। और यहां से एक प्रश्न आपका और तैयार होता है जो हमने आपकी पिछली क्लास में अटेंड कराया था कि ये जो कलकत्ता अधिवेशन जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी थी। तो देखिए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, आंसर इज एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, परंतु कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी आपकी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ये जो है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो कब बनी 1925 में। जी 1925 में ये 40वां अधिवेशन था, और 1925 में आपको ये नहीं याद रखने की जरूरत है कि 40वां था 39वां था, ऐसा केवल एक या दो बार पीसीएस लेवल में ऐसा प्रश्न पहले पूछा गया था कि ये जो है इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जैसे मान लीजिए 39वें अधिवेशन के अध्यक्ष, तो वो एक वाहियात प्रकार का प्रश्न था, अब वैसे प्रश्न नहीं आते हैं, तो इसलिए आपको उसकी चिंता नहीं लेनी है। फिलहाल देखिए 1925 में ये कानपुर में जो है अधिवेशन हुआ था, जिसमें ये सरोजनी नायडू अध्यक्ष चुनी गई थी। आप लोगों को यहाँ पे एक कमेंट करके ये बताना है कि 1924 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था, और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था और साथ में ये इसका अध्यक्ष कौन था, ये आप लोग जरूर से बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट प्रश्न ऐसा आता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभियुक्त नहीं है, अभिव्यक्त है। अभियुक्त तो देखिए अलग सेंस चला जाता है, अक्यूज हो जाता है वो सेंस, यहां पर जो है वो अभिव्यक्त है कि बाल गंगाधर तिलक ने कब कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो आपका ये कोटेशन है वो है किसका। तो देखिए स्वराज मेरा, हालांकि ये लोग आप लोग बचपन से ही देखते आते होंगे, तो ये बहुत ज्यादा इसमें याद करने में तनाव नहीं लेना, आपको पहले से ही याद होगा, परंतु ये किसने कहा था और कब कहा था। अब देखिए कब कहा था, तो अगर ये बात आती है तो आपका ये जो लखनऊ अधिवेशन है 1905 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, ये लखनऊ अधिवेशन जो है आपका डी वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डी आपको पता है कि जो लखनऊ अधिवेशन है 1916, वो कई कारणों से बहुत चर्चित था, बहुत फेमस था। जैसे सबसे पहला जो वहां पे काम हुआ वो क्या हुआ, तो सबसे पहले देखिए जो उदारवादी और उग्रवादी जो कांग्रेस के ही दो धड़े में 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में विभक्त हो गई, उदारवादी और उग्रवादी। ठीक है, ये आपको डिटेल में अभी बताऊंगा आगे की क्लासेस में जब ये हम लोग सूरत का विभाजन पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए कि जो ये अलग हो गई थी 1907 में, वो पुनः जो है मिली जाके 1916 में। तो पहली बात की उदारवादी और उग्रवादी का मिलन हुआ, ये हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916 में। दूसरी बात कि यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों में भी समझौता हुआ कि अब हम लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको साथ में मिलकर उसका नेतृत्व करेंगे। तो यहां पर जो मुस्लिम लीग है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इन दोनों का भी आपस में एक जुड़ाव हुआ, मिलन हुआ। तो कांग्रेस लीग समझौता जो कहा जाता है वो भी आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही देखने को मिलता है। तो अब जब ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन इतना ज्यादा, यहाँ पे दो दो महत्वपूर्ण काम हुए 1916 में ही, आपको पता है कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इन दोनों लोगों ने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। तो इसलिए आप देखिए 1916 एक काफी महत्वपूर्ण वर्ष हो जाता है। अब जब ये अधिवेशन इतना फेमस है तो आप जल्दी से इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, जो लखनऊ अधिवेशन है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो वैसे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, ये कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये हो जाएगा एसी मजूमदार।
ठीक है, तो लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष थे एसी मजूमदार। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। और इसकी देखिए जो भी पीडीएफ है वो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन प्रश्नों की जो भी पीडीएफ है ये आपको चैप्टर बाय चैप्टर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करा दी जाएगी। जल्दी ही हमारा ऐप भी बन रहा है तो उस ऐप पे भी हम लोग इस पीडीएफ को अवेलेबल करा देंगे। दरअसल इसको अभी जैसे ही वीडियो आएगा उसके तुरंत बाद अवेलेबल ना करा के, बल्कि जैसे ही हमारा एक चैप्टर खत्म होगा, मान लीजिए किसी चैप्टर में अगर एक ही वीडियो बन रहा है तो उस वीडियो के तत्काल बाद ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेकिन अगर किसी चैप्टर में दो तीन वीडियो बन रहे हैं तो उसमें हम लोग उन दो तीन वीडियोस के बाद में सारे की एक साथ ही ये वीडियो पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति या मृत्यु में सहयोग करना है, ये इनकी सबसे बड़ी अभिलाषा है। तो देखिए, जॉर्ज हैमिल्टन थे, लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड कर्जन थे या लॉर्ड मिंटो थे। अब देखिए, इस प्रश्न को हालांकि कई बार पूछा गया है और इतना बड़ा स्टेटमेंट ना देके जहां पे भी आपको ये स्टेटमेंट मिल जाए कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है तो इससे आप याद कर लीजिएगा कि ये जो है आपका ऐसा कहा था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, लगभग ये जो स्टेटमेंट कहा गया वो तो 1903 में कहा गया। जो लॉर्ड कर्जन थे वो आपको पता है कि वैसे तो उन्होंने भारत की आधुनिकता के लिए कई सारे काम किए, परंतु वो काफी एक कुटिल सोच के तहत किए थे और उनके शासनकाल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक उनका जो बुरा कृत्य था वो था बंगाल का विभाजन 1905। तो कई बार प्रश्न ये भी आता है कि बंगाल के विभाजन के समय में कांग्रेस आपके जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कर्जन। और उन्होंने ही ये कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मतलब उस समय जो है कांग्रेस की बहुत ज्यादा एक जनाधार नहीं हुआ करता था, तो इस वजह से वो ये कहे थे कि अब इसको जल्दी ही मैं समाप्त करके ही यही समाप्त कर दूं, यही मेरी इच्छा है। ठीक है, अक्सर कहा जाता है कि बुरे शासक राजनीति में वरदान साबित होते हैं, तो वो दरअसल इन्हीं के लिए कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन हो या फिर लॉर्ड डफरिन हो, सॉरी लॉर्ड डलहौजी हो या लॉर्ड लिटन हो, ये सभी शासक ऐसे थे जो इन लोगों ने बहुत ज्यादा बुरा एक शासन आरोपित करने की कोशिश की, जिसकी वजह से भारतीयों में एक स्वतंत्र चेतना पनपी, भारतीयों में एक एकत्व की भावना पनपी, जिनके कारण वो कहीं ना कहीं भारतीयों में एक एकजुट हुए और वो अपने आंदोलनरत होने की कोशिश में लगे रहे। और इसी वजह से कहा जाता है कि जो बुरे शासक होते हैं वो राजनीति में बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। जैसे आज भी आप देखते होंगे, कोई अगर किसी राज्य का चुनाव हो और वहां पे अगर कोई ऑपोजिशन का लीडर या कोई भी है, एक लीडर ने अगर कुछ भी ऐसा दूसरे लीडर के खिलाफ, किसी बड़े लीडर के खिलाफ कुछ अगर आपत्तिजनक बोल दिया, तो वो दरअसल जो सामने वाला लीडर है उसको बहुत उससे तनाव नहीं लेता, बल्कि वो खुश होता है कि ये बहुत अच्छे समय पे और बहुत अच्छा बोले हैं, तो उससे उनको एक राजनीतिक लाभ लेने की स्थिति में वो हो जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए कि इनका भी था, तो ये लॉर्ड कर्जन इसमें राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आपका बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए। तो अगला जो प्रश्न है वो ये है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे थे। देखिए, अब रोमन लिपि जो है वो क्या है, तो जो हमारी हिंदी वास्तव में अभी लिखी जाती है वो है देवनागरी लिपि में। अक्सर प्रश्न जो आपका हिंदी में पूछा जाता है वो ये है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। लेकिन एक शख्स थे जिन्होंने कहा था कि इसे रोमन लिपि में लिखे, रोमन लिपि दरअसल इंग्लिश वाली जो लिपि है वो रोमन लिपि है। ठीक है, तो अब इंग्लिश वाली लिपि, जैसे आपकी आजकल जो व्हाट्सएप पे एक लैंग्वेज चल रही है, आप लोग देखते होंगे व्हाट्सएप पे अब जो ज्यादातर लोग चैट करते हैं तो उसमें इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, रोमन लिपि में ही हिंदी को लिखते हैं। जैसे क्या, अगर हमें क्या लिखना है तो ये क्या, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये रोमन लिपि हो गई, और अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये देवनागरी लिपि हो गई। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो इस लिपि को अपनाने की, यानी जो व्हाट्सएपिया लिपि है उसको अपनाने की वकालत किसने की थी, तो देखिए अध्यक्षीय संबोधन के समय इसको कहा था, दरअसल यहाँ पर महात्मा गांधी नहीं, अब्दुल कलाम आजाद नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, बल्कि सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। सुभाष चंद्र बोस ने इसको कहा था अध्यक्षीय संबोधन के समय। तो अगर आप बताएं कि अध्यक्ष ये कब बने थे, आप लोग इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट में दीजिएगा, तो ये अध्यक्ष कब बने थे ये आपको बताना है, और कहाँ पर वो था, कहाँ पर ये अधिवेशन हुआ था ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो ये आपको कमेंट में बताना है। आगे चलते हैं, देखिए
भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? अब देखिए, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था। हालांकि ये बहुत कॉमन है, लगभग सभी लोग जानते हैं कि ऐसा सुझाव जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था। मतलब कांग्रेस को खड़ा करने वाले इतने दिग्गज लीडर, उन्होंने ही ये सुझाव दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। उसका कारण यह है कि देखिए, कांग्रेस उस समय में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक सबसे प्रमुख संस्था थी, जिसके नेतृत्व में हम लोगों ने आजादी पाई, और इस कारण से एक इनका व्यापक जनाधार था। मतलब भारत की जनता में इसकी व्यापक पैठ थी, जिसका मुकाबला अन्य कोई भी दल उस समय सोच भी नहीं सकते थे इनका मुकाबला करने को। तो गांधी जी का ये मानना था कि अगर यही सत्ता में आते हैं, मान लीजिए चुनाव के बाद अगर ये दल नहीं भंग किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो लगभग अगले 30 से 35 सालों तक तो यही सत्ता में बने रहेंगे, कांग्रेस को कोई टक्करी देने वाला ही नहीं सामने आएगा, और जो लोकतंत्र के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं होती है। तो इस वजह से यही कारण है कि महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि इसको भंग कर दिया जाए, ताकि नए सिरे से नए नेतापन पे, नए नए दलपन पे, और वो सभी आपसी प्रतिरोध के आधार पर, आपसी जो मतलब आपस में एक अपना अच्छी अच्छी वादे और चीजें देने के आधार पर, उस आधार पर चुनाव लड़े तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि अपने इतिहास को दर्शा करके। तो इस वजह से कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के, रवि ये टाइम जरा देखते रहिए। तो अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? अब देखिए कि किससे महात्मा गांधी के, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संविधान था वो दरअसल 1919 में ये तय हुआ कि अब कांग्रेस का एक नया संविधान बनेगा, क्योंकि अब कांग्रेस में गांधी जी जैसा एक बड़ा लीडर, मास लीडर आ चुका था, और वो अपने हिसाब से चीजों को डिसाइड करना चाहते थे। जैसे कांग्रेस एक कुछ लोगों की संस्था ना रहकर बल्कि एक व्यापक जनाधार उसका एकत्र हो सके, ऐसी वो संस्था बनाना चाहते थे। इसलिए उनको कुछ मूलभूत सुधार उसमें करने थे, जिसके लिए उन्होंने जो है एक कांग्रेस का नया संविधान लिखने की कोशिश की, और बल्कि लिखा भी। तो उसी के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि जो 1919 में अधिवेशन हुआ था उसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस का संविधान लिखा जाएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में लिखा जाएगा, तो उसमें सहयोग कौन कौन करेगा? तो देखिए, सहयोग कौन कौन करेगा, तो इसका जो आंसर होगा ये है आपका, एक तो ये एनसी केलकर और आईबी सेन, ये दोनों लोग ही हैं जो कि इसमें सहयोग करेंगे। एनसी केलकर, आपको पता है कि जो बाल गंगाधर तिलक वाली जो आपकी सॉरी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो प्रकाशन होता था केसरी का, उनके दो पत्र थे, एक तो आपका मराठा था और दूसरा था केसरी। ठीक है, मराठा और केसरी, इनके दो समाचार पत्र निकलते थे। इसमें ये जो केसरी का संचालन था, केसरी का संचालन मुख्य संपादक तो देखिए बाल गंगाधर तिलक ही थे, परंतु इसका पूरा कार्यभार जो देखते थे ये आपके एनसी केलकर ही देखते थे। तो ये भी एक अपने आप में प्रमुख नेतृत्व करता थे। और मराठा जो है ये आपका किस लैंग्वेज में था, तो ये था इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कई कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मराठा और केसरी ये किसके पत्र हैं, तो सबसे पहली बात तो इसका आंसर हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक के ये पत्र हैं। और अगर पूछा जाए कि इसमें से कौन सा जो है वो इंग्लिश में था, तो मराठा था, और मराठी में कौन सा था, तो ये था केसरी। अब देखिए, मराठी में मराठा नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगेगा कि मराठा है तो मराठा तो जरूर ये मराठी में ही होगा, परंतु ये असत्य है। जो केसरी है वो आपका मराठी में था, और मराठा जो है वो आपका इंग्लिश में था। तो चलिए, आज का ये जो हमारा सेशन है इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग कल देखेंगे। और इसी के साथ ही साथ हमारी हिंदी की भी जो सीरीज है वो भी शुरू हो रही है, जिसमें हम लोग डेली बेसिस पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं ये आपके लिए आपके एग्जाम में जरूर महत्व के हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी आयोग में पूछे जा चुके हैं, और इसमें सारे प्रश्न इस सीरीज में केवल वही होंगे जो कि कहीं ना कहीं पूछे गए हैं।
इसमें कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि सैंपल पेपर वाला है या फिर अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों करने से आप जो आपका एक सब्जेक्ट की महत्ता है, उस सब्जेक्ट में कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्वयं में समझ जाएंगे, उसमें किसी भी अन्य की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। इसमें आप खुद ही से ये डिसाइड कर सकेंगे कि किस पोर्शन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। यही मकसद है हमारा इस प्रोग्राम को कराने का, और आशा है आप इससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो रहे होंगे। चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।